अक्सर किसान अपने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया का जमकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे समय समय पर उनके जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। इस मुश्किल को हल करने के लिए सामने आई सहकारी क्षेत्र की एक कंपनी इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसने नैनो यूरिया का विकास कर इसका पेटेंट भी करा लिया और अब इसे हमारे यूपी के आम किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट भी तैयार हो गया है। इफको का दावा है कि नैनो फर्टिलाइजर से न सिर्फ जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है बल्कि इससे फसलों का उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है। किसानों की किस्मत चमकाने वाली इस लिक्विड नैनो फर्टिलाइजर का उत्पादन फूलपुर में नवंबर से शुरू हो जाएगा। फूलपुर प्लांट में तैयार आधा लीटर नैनो खाद की उर्वरक क्षमता यूरिया की 45 किलोग्राम वजनी एक बोरी के बराबर होगी। इसकी आपूर्ति के लिए अर्जेंटीना और ब्राजील ने भी इफको से करार कर लिया है। देश में इफको का फूलपुर स्थित ये दूसरा प्लांट होगा, जबकि पहला नैनो खाद प्लांट गुजरात के कलोल में स्थित है। फूलपुर प्लांट के हर साल की उत्पादन क्षमता 7 करोड़ होगी। किसानों के लिए ये खाद यूरिया से सस्ती होगी। 45 किलोग्राम वाली एक बोरी यूरिया जहां 267 रुपए में मिलती है, वहीं इसी जरूरत को पूरा करने वाले आधे लीटर लिक्विड नैनो खाद की बोतल 240 में ही मिल जाया करेगी। यही नहीं, भारत अपनी जरूरत का 1/4 फर्टिलाइजर विदेशों से आयात करता है। यूरिया की एक बोरी पर 3500 रुपए की लागत आती है, जो किसान को लगभग 300 रुपए में उपलब्ध कराई जाती है, जबकि सरकार प्रति बोरी 3200 रुपए की लागत वहन करती है। ऐसे में अब नैनो तरल यूरिया के इनोवेशन से एक ओर जहां हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कोष से किसानों को सब्सिडी के रूप में हर साल दिए जाने वाले 24,000 करोड़ रुपए भी बचाए जा सकेंगे। इसकी सबसे खास बात होगी कि नैनो खाद का छिड़काव ड्रोन से भी किया जा सकता है। नैनो यूरिया पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, साथ ही ये यूरिया के मुकाबले ज्यादा लाभदायक भी है। यूरिया से जहां फसल को 30% लाभ होता है, वहीं नैनो यूरिया से फसल को 80% लाभ मिलता है। इस खाद से मौजूदा समय में यूरिया के ज्यादा इस्तेमाल से खत्म होती उर्वरा शक्ति को बचाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही किसानों का पैसा, परिश्रम और समय भी बचाया जा सकेगा। आपको बता दें कि नैनो यूरिया ठोस यूरिया का ही तरल रूप है। नैनो यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है। इफको का दावा है कि नैनो यूरिया के प्रयोग से ट्रेडिशनल यूरिया के मुकाबले फसलों का प्रोडक्शन 8% तक ज्यादा होता है। दरअसल नैनो यूरिया का उपयोग फसल की पत्तियों पर छिड़काव के माध्यम से किया जाता है। जब हम पत्तियों पर इसका छिड़काव करते हैं तो सारा का सारा नाइट्रोजन सीधे पत्तियों में चला जाता है, इसलिए ये परंपरागत यूरिया की तुलना में ज्यादा कारगर है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।